केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार जहां प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के माध्यम से किसानों को रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी गाय के गोबर से होने वाली प्राकृतिक खेती के महत्व को जानते हैं और समय समय पर किसानों से प्राकृतिक खेती करने की अपील करते हैं। केंद्र की मोदी सरकार और प्रदेश की जयराम सरकार जहां प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान के माध्यम से किसानों को रासायनिक खेती को छोड़ प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने का संदेश दे रहे हैं, तो वहीं हिमाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल आचार्य देवव्रत भी गाय के गोबर से होने वाली प्राकृतिक खेती के महत्व को जानते हैं और समय समय पर किसानों से प्राकृतिक खेती करने की अपील करते आए हैं। वहीं सरकार के खुशहाल किसान के सपने को साकार करने का काम किया है। बिलासपुर के विचित्र सिंह ने बिहार सरकार के खुशहाल किसान के सपने को साकार करने का काम किया है। बिलासपुर के विचित्र सिंह ने, जी हां, बिलासपुर से करीब 35 किलोमीटर दूर स्थित एक छोटे से गांव कसहोल के रहने वाले विचित्र सिंह एक निजी स्कूल में अध्यापक पद पर कार्यरत हैं और पिछले 3 सालों से प्राकृतिक खेती करते आ रहे हैं, जबकि सितंबर 2018 में झांसी में शून्य बजट प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लेने के बाद विचित्र सिंह ने अकेले ही इसकी शुरुआत अपने गांव में की और किसानों को जागरूक करने का काम भी किया और नतीजे सामने आने के बाद देखते ही देखते 25 से 30 स्थानीय किसान इस खेती से जुड़ते चले गए। आज विजेता सिंह लगभग 16 बीघा जमीन पर शून्य बजट प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, जहां उन्होंने सूरजमुखी व मक्की सहित कई तरह की सब्जियां और हर्बल के क्षेत्र में अशरगंधा, कालमेघ और अर्करा जैसी जड़ी बूटियां उगाने का काम कर रहे हैं। वहीं शून्य बजट प्राकृतिक खेती की जानकारी देते हुए विचित्र सिंह ने बताया कि उन्होंने एक देसी गाय के गोबर व गौमूत्र से घना अमृत और जीवा अमृत सहित नीम स्तर रह स्तर तैयार करने की खेती कर रहे हैं। साथ ही उन्होंने किसानों से शून्य बजट प्राकृतिक खेती करने और रासायनिक खेती को छोड़ने की अपील की है, ताकि मिलावट की सब्जियों से छुटकारा मिल सके और स्वस्थ भारत का निर्माण हो सके। पिछले वर्ष सितंबर मास में मैंने झांसी में जब इस शून्य लागत प्राकृतिक खेती का प्रशिक्षण लिया, उसमें तो मुझे लगा कि ये प्राकृतिक खेती नहीं, ये परमात्मा खेती मुझे मिल गई। जहां पर मुझे उस खेती में अधिक गोबर लगाना पड़ता था, अधिक मेहनत करना पड़ती थी, इसमें तो केवल एक देसी गाय के गोबर से ही मुझे ये जो एक एकड़ या जितनी भी जमीन बताई गई है उसके लिहाज से तो ये बिल्कुल मुझे शून्य के बराबर ही है। मैं तो यही उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश हो या देश हो या चाहे विदेश तक ये बात जाए कि प्राकृतिक खेती क्या है, जिस प्राकृतिक खेती से एक तो हमारे हॉस्पिटलों की बीमारियों की कमी आएगी, हॉस्पिटलों की भीड़ कम रहेगी, जिससे क्या होगा कि हमारे जो स्वस्थ मनुष्य है, स्वस्थ व्यक्ति है, तो स्वस्थ व्यक्ति ही समाज को उन्नत कर सकता है। समाज की उन्नति के लिए व्यक्ति का स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। मैंने अपने खेतों में सूरजमुखी लगाया है, मक्की लगाई है, भिंडी है, टमाटर है और हर्बल साइड से हमारा अश्वगंधा है, कालमेघ है, तुलसी है, इस प्रकार से मैंने अरकरा और अनेक सहजन, अपने जितने भी हमारे ये खेती है उसमें हर प्रकार के सोयाबीन है, मिश्रित खेती के लिए मैंने सोयाबीन लगाई हुई है, अरबी है। मैं विचित्र जी की बहुत मतलब वो करता हूँ कि इन्होंने जो है ना पहल करके जो है गाँव के लिए बहुत ही अच्छा काम किया है और इस हम जो हैं 25 से 30 जो किसान हैं इनके साथ जुड़े हुए हैं और इस खेती से जो है मतलब स्वास्थ्य के ऊपर जो है बहुत अच्छा असर पड़ रहा है। जो कि हम दवाइयां दे रहे थे उनसे जो है जीवा अमृत और जो भी ये मतलब इनकी जो खादें बना रहे हैं इनसे बहुत ही अच्छा और नतीजे जो हैं बहुत ही अच्छे आ रहे हैं और खेती जो है बिना खाद से जो है अच्छी है और खाद की और इसको कंपेयर करें तो दोनों खेतियों में एक खेती जो है बहुत ही अच्छी चल रही है। हमारे गांव में विजेंद्र सिंह जीरो लागत प्राकृतिक खेती के लिए पहले किसान हैं जिन्होंने इस चीज़ को बढ़ावा दिया है और हम भी इसी मतलब इसमें ये जीरो लागत प्राकृतिक खेती के साथ जुड़े हुए हैं और बहुत से किसान हैं। हमारा 25 मतलब किसानों का समूह है जो कि इस कार्य में जो है सभी लगन से काम कर रहे हैं और जहर मुक्त खेती करने के बजाय जीरो लागत खेती अच्छी है और इसके रिजल्ट भी अच्छे आ रहे हैं।